Hello students, I welcome you all to this session. My name is Amit Sharma and I am a senior chemistry faculty in Vidya Mandir classes. I have been associated with VMC for around 6 years and my total experience is 9 plus years. In this session, we are going to take up a nitrogen containing compound. So organic ka topic hai. So organic आई होप सब सबकी तैयारी इस लास्ट फेज में बहुत अच्छे से चल रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस के इसमें प्रीवियस ईयर्स अगर प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चन आए हैं. तो एज यू कैन सी के जेई मेंस 2019 में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में से आई हैव बायफर्केटेड. सो मेरा एक स्पेशल एजेंडा था कि मैंने अलग से एसिडिटी बेसिडिटी पे को अलग से नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं. क्यों? बिकॉज सी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में रिएक्शन बेस्ड या फिर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, जो जो कि लाइक फाइव क्वेश्चन इन 2019. बट एसिडिटी बेसिडिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि लाइक ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में ऑर्गेनिक में कवर हो जाता है, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में कवर होता है. जैसे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बेसिडिटी ऑफ अमाइंस इज इंपॉर्टेंट, एंड सिमिलरली अगर आप बायो मॉलिक्यूल्स में से कोई कंपाउंड लेके उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिडिटी पूछ जाती है. तो ओवरऑल देखा जाए तो अमाइंस में भी बेसिडिटी ऑफ अमाइंस इज इंपॉर्टेंट. सो जस्ट टू यू नो हैव अ क्लियर बाइफर्केशन कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं. तो दिस इज द नंबर. तो 2019 में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में से 5 क्वेश्चन थे, एसिडिटी बेसिडिटी में से 6 थे. 2019 अप्रैल में हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में से 9 क्वेश्चन थे, एसिडिटी बेसिडिटी में 3 क्वेश्चन थे. और 2020 जनवरी में जो हुआ है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के 4 क्वेश्चन आए थे और एसिडिटी बेसिडिटी के 3 क्वेश्चन आए हैं. तो इस सेशन में हमारा एजेंडा क्या होगा? इस सेशन में ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कवर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट लेट्स से जो जो भी नाइट्रोजन अमाइंस में, एरोमेटिक अमाइंस में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जेई पॉइंट ऑफ व्यू जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारा फोकस उन पे रहेगा. हम उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे एंड बेसिकली मोर फोकस शुड बी गिवन ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एज वेल. तो कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी हम जो के जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हैं और उसको कैसे टैकल करेंगे, तो दैट इज़ द अप्रोच फॉर अस, राइट. ओके, सो द फर्स्ट जो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस. तो अमाइंस की प्रेपरेशन के हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं. तो आई एम होपिंग के सब रेगुलरली नेम्ड रिएक्शंस और रिएजेंट्स को रिवाइज कर रहे हैं रेगुलरली, बिकॉज रिएजेंट रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर जेई में ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें इस चीज़ पे स्टक नहीं होना कि अच्छा इसका रोल क्या था, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा एक मतलब फंडामेंटल चीज़ है जो हम रैनमिक करते हैं. एंड ऑल्सो टू क्लासीफाई द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वेदर के उस रिएक्शन को का मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस है या फिर हम सिर्फ लाइक सिर्फ रीजेंट्स के रोल को अगर हम रिवाइज करेंगे तो इससे काम चलेगा. तो वी हैव टू यू नो फोकस ऑन बोथ दीज थिंग्स. और जैसे हम प्रेपरेशन की बात करें तो विल स्टार्ट विद द रिडक्शन. रिडक्शन अगेन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमाइंस के लिए, एंड देयर आर मेनी कंपाउंड जिसकी रिडक्शन से अमाइंस बनते हैं. द इम्पॉर्टेंट द फर्स्ट द फॉरमोस्ट इज द नाइट्रो कंपाउंड. तो नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन से अमाइंस बनते हैं, एंड दीज आर द स्पेसिफिक रीजेंट्स, दीज आर द रीजेंट्स विच कैन बी यूज. अगेन सी वी हैव लिस्टेड मेनी रीजेंट्स एज सच. तो बहुत सारे रीजेंट्स हमने लिस्ट कर दिए हैं. देखो इसमें ये रीजेंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज ज़्यादातर ये यूज़ होता है. बाकी हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, ठीक है, ये तो सबसे कॉमन रीजेंट्स में से आ जाता है. तो इनफैक्ट ये सारी चीज़ें हमें करना ज़रूरी है, राइट. तो बाकी जिंक HCl ऑफ कोर्स, तो और लाइक आयरन HCl है, ये सबसे ज़्यादातर अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन की बात करें तो ये रीजेंट पर्टिकुलरली यूज होता है, राइट. दिस इज फॉर द रिडक्शन रिएक्शन एज सच. एंड अगेन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी रिडक्शन से हमारे पास अमाइन मिलते हैं. फॉर इंस्टेंस हमारे पास दीज आर अल्काइल नाइट्राइल्स, RCN, साइनाइड.
नाइट्राइल्स की रिडक्शन से हमारे पास अमाइंस बनते हैं, राइट? एंड सिमिलरली दीज आर अमाइड्स एंड दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? दीज आर ऑक्साइंस। तो ये आप देखेंगे कि इन तीनों, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो उसकी अगर हम रिडक्शन करेंगे तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, RCH2 NH2 बन रहा है, राइट? और अगर हम देखेंगे इनमें जो रीजेंट्स हैं ये भी सारे सेम हैं। तो आइडिया यही था कि इन तीनों को मैंने एक ग्रुप में इसलिए क्लब कर लिया बिकॉज द रीजेंट्स विच आर यूज्ड आर एग्जैक्टली द सेम, दे कैन बी यूज। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर रीजेंट की बात करें, निकल इन हाइड्रोजन, तो ऑफकोर्स जनरली प्रेफर्ड रीजेंट्स होते हैं। प्रेफर्ड रीजेंट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम निकल, प्लैटिनम और हाइड्रोजन की बात करें तो दैट दे उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो डबल बॉन्ड पे अटैक करने की के लिए होता है, जैसे अल्कीन्स और अल्काइन्स की रिडक्शन के लिए ये वाला रीजेंट यूज होता है, राइट? तो जहां पर डबल बॉन्ड्स या अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो वी माइट प्रेफर दिस पर्टिकुलर रीजेंट एज सच। अदरवाइज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो हमारा सबसे कॉमन रीजेंट है ही, राइट? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइनेट की बात करेंगे तो हम बिकॉज उसमें भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है एज सच, तो हमारा प्रेफर्ड रीजन निकल हाइड्रोजन हो सकता है। बट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ज्यादातर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे कॉमनली यूज है, तो सबके लिए आ जाता है। अच्छा, ये रीजेंट भी इज क्वाइट, इसमें हमें यूज करना है सोडियम इन इथेनॉल। सोडियम इन इथेनॉल अगेन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर ये साइनाइड्स के साथ रिएक्शन में यूज होता है, मतलब फॉर एग्जांपल RCN के साथ अगर इसका रिएक्शन होता है तो दैट इज अ पर्टिकुलर नेम्ड रिएक्शन, उसको हम मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं, राइट? तो हमारे पास सिमिलरली अगर हम अमाइड्स की बात करें तो अमाइड्स में भी वही चीज है, ऑक्साइन्स भी हो गया, राइट? अच्छा, ऑक्साइन्स की हमने रिएक्शंस करी हैं, राइट? ऑक्साइन्स के बारे में पता होना चाहिए। एक रिएक्शन हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग अमाउंट में करा है, दैट इज बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो वी नो द स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड टू इट एज वेल, तो वी मस्ट यू नो आइडेंटिफाई कि हमारे पास दीज आर ऑक्साइन्स, और ऑक्साइन्स की रिडक्शन से ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अमाइन्स बनते हैं, ठीक है, राइट? एंड सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें, दिस इज आइसोसाइनाइड, या आइसोनाइट्राइल्स, तो उसकी रिडक्शन में भी हमारे पास दिस इज अगेन RN CCC। तो इसमें भी हमारे पास देखो अनसैचुरेशन है, तो देखो जो हमने जो प्रेफर्ड रेजेंट हमने यूज किया है वो हमारे पास निकल हाइड्रोजन ही है, और उसमें एच और एच ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास जो रेजेंट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है हमने एच और एच ऐड कर दिया, तो दिस इज द प्रोडक्ट, हमारे पास 2 डिग्री अमाइन बन गया, राइट? और हमारे पास, एंड दिस इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज अल्काइल अजाइड। तो दिस इज अल्काइल अजाइड। तो अल्काइल अजाइड में की जब रिडक्शन होती है तो भी हमारे पास 1 डिग्री अमाइन बन रहा है, एंड वी हैव टेकन अ सुटेबल रिड्यूसिंग रीजेंट, NaBH4 हमने यूज करा है। अच्छा, दिस इज अजाइड आयन। अजाइड आयन इज अगर हम देखें तो इट इज N3-, राइट? N3- इज इंपॉर्टेंट, हमने बहुत बार पढ़ा होगा इसको, दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन होता है ये, राइट? तो जनरली अगर हम देखेंगे कि जितने भी अजाइड के रिएक्शंस होते हैं, एक चीज हमें जानने की जरूरत है कि मोस्टली द गैस विच इज लिबरेटेड इज नाइट्रोजन, ठीक है? तो अपने जितने भी अगर आप रिएक्शन में थोड़ा सा ऑब्जर्व, केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो अजाइड के जो मोस्टली रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, राइट? बिकॉज नाइट्रोजन बिकम बीइंग अ वेरी गुड रिलीविंग ग्रुप एज सच, एंड द मोस्ट स्टेबल डायटोमिक गैस एज सच, ठीक है? ये चीज हमने इनऑर्गेनिक में भी सीखी होती है कि अजाइड्स की, लाइक हमारे पास अल्कली मेटल अजाइड जो हो गया, या ब्लैक बेरियम अजाइड हो गया, या तो मैग्नीश, तो उसी तरीके से, तो उसको जब हीट करते हैं तो वी गेट नाइट्रोजन एज द गैसियस प्रोडक्ट, राइट? तो दीज आर द रिड्यूसिंग, दीज आर द रिडक्शन रिएक्शन एज सच। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि जरूरी नहीं है कि मैं पास 1 डिग्री ही, 1 डिग्री ही इससे बना सकते हैं, 2 डिग्री अमाइन भी हम बना ही सकते हैं इसमें, राइट? तो हमारे पास लेट से एक, जैसे हमने अगर हमारे पास सिंपल अमाइड होता, ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन बनता, ठीक है? अगर हमारे पास लेट से 2 डिग्री, 2 डिग्री अमाइड
और लेट्स से 3 डिग्री एम आई, ठीक है, तो भी हमारे पास इसकी सिंपल रिडक्शन से यही बनता है। तो एज सच दीज रिएक्शंस आर क्वाइट सिंपल एज सच। हमें इसमें हमें करना क्या है, हमें बस रीजेंट्स थोड़े से ध्यान रखने हैं, और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किसकी रिडक्शन से, मतलब किस किस कंपाउंड की रिडक्शन से हम अमाइंस बनाते हैं। तो दिस दीज इज द थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो कंपाउंड्स हो गया, साइनाइड्स हो गया, ऑक्साइंस हो गया, अमाइड्स हो गया, एंड ऑफकोर्स अजाइड ऑल्सो, राइट। सो नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो जैसे जो फंडामेंटल रिएक्शन जो था, जो रिडक्शन रिएक्शन था, जो कि सबसे कॉमनली आस्क रिएक्शन में से है, वैसे ही हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आर अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। तो हाइड्रोलिसिस हमें पता है कि जितने भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, राइट, उनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस इन द सेंस एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर जो हमने रीजेंट लिखा है वो हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दी। इट कुड हैव बीन बेसिक ऑल्सो, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसिडिक जो हाइड्रोलिसिस होती है, तो वो होती है उसमें जो रीजेंट जो होते हैं वो स्मॉल एच पॉजिटिव इन वाटर, राइट, एंड यू कुड हैव बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑल्सो। तो बेसिक के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। तो अगर डजंट मैटर, तो इसमें अगर हम बेसिक हाइड्रोलिसिस भी करवाते तो द प्रोडक्ट वुड हैव बीन द सेम, राइट। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, लेट्स से दिस इज इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, तो हमें पता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर, तो दिस इज 2 डिग्री अमाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाए से 1 डिग्री अमाइड बनता है, राइट। अगर हमारे पास सिंपली अमाइड होता तो अमोनिया वुड हैव बीन लिबरेटेड, राइट। बट यहाँ पर हमें पता है कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक करता है, जो इस पर्टिकुलर दिस यहाँ से ब्रेक हो रहा है हमेशा, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ओ एच लग जाएगा और यहाँ पर एच लग जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डू इट, एंड सिमिलरली गोज विद दिस। और सिंपल हमारे पास ये एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इनफैक्ट जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं, अगर उनकी आप हाइड्रोलिसिस करवा दो तो हमारे पास एसिड बनेगा, और सभी की रिएक्शन एक ही जैसी होती है। यहाँ पर है कि यहाँ पर जो ओ एच है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और उसके बाद जो एच है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, राइट। तो वी गेट 1 डिग्री अमाइन विद दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें 3 डिग्री अमाइड की हाइड्रोलिसिस देखें, तो हमारे पास 2 डिग्री अमाइन बनेगा, राइट। एंड अगेन एक चीज मैं फोकस करूंगा इस चीज पे, आई थिंक दीज टू रिएक्शन आर क्लियर होपफुली, राइट। तो दिस इज अल्काइल आइसोसाइन, तो दिस इज अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाएंगे, एंड अगेन जो भी यहाँ पर रिएजेंट है, इट कुड बी एसिडिक, कुड बी बेसिक, तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 1 डिग्री अमाइन बनता है। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस फर्दर इन डिटेल विद मैकेनिज्म एज सच। मतलब एसिडिक और बेसिक में मतलब सिमिलर टाइप, मतलब रिएक्शन हो जाएंगी, मतलब सिमिलर मैकेनिज्म, राइट, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, मतलब। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अमाइन बनेगा अल्काइल आइसोसाइनेट से, और हमारे पास यहाँ पर CO2 इज ऑल्सो रिलीज, CO2 विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। सो दीज आर द हाइड्रोलिसिस, दीज वर द बेसिक रिएक्शन, राइट। हमने रिडक्शन कवर कर लिया और हाइड्रोलिसिस कवर कर लिया, राइट। सो नेक्स्ट कम टू, तो आइडिया वाज कि बेसिक रिएक्शंस तो बता दिए, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लाइक कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है, जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, राइट। मैकेनिज्म वाइज दे आर गोइंग टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट एज सच, ठीक है। एंड ऑफकोर्स ये रिएक्शन सबने देखा होता है, ठीक है, सुना होता है, और मतलब इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, मतलब इसका पूरा मैकेनिज्म आना चाहिए, ठीक है, इसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं। बिकॉज जब हम मैकेनिज्म कर रहे हैं तो उसमें एक चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि उसमें इंटरमीडिएट कौन कौन से बने, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड इन जेईई मेंस, कि इंटरमीडिएट कौन सा बना था, अगर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट।
So it is going to be very important. This is Hoffman degradation, Hoffman bromomide reaction, right? और अगर मैं इसको एक general idea लिखूँ, मतलब एक एक इसको general reaction लिखूँ, तो it will be R2CO2. और जनरली क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ये पूरा आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है, आपको सिंपल ब्रोमीन दिया होगा इन बेसिक मीडियम, ठीक है. ब्रोमीन इन बेसिक मीडियम विल पर्टिकुलरली रिएक्ट विद दिस कंपाउंड, दिस इज लाइक वन डिग्री अमाइड. और ये ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पर वन डिग्री अमाइड, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म RNH2, राइट. तो ये ध्यान रखना है, तो प्राइमरी अमाइड होगा, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन. मतलब स्टेप डाउन का मतलब है वन कार्बन लेस, एक कार्बन कम हो गया, ठीक है ना. एक कार्बन कैसे कम हो गया अब हम देखते हैं, बिकॉज CO2 इज बेसिकली रिलीज इन द पर्टिकुलर दिस रिएक्शन. तो एज सच थोड़ा सा हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, हाउ दिस रिएक्शन goes about. Right. Mechanism. Right. So हमारे पास जो starting species था वो ये था R2CO2, तो वो हमारे पास प्राइमरी अमाइड है, ठीक है. तो प्राइमरी अमाइड की एक प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं इसको, अगर हमने बेसिक मीडियम में लिया, ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन है इट इज एसिडिक इन नेचर, इट कुड बी एसिडिक इन नेचर. वाई? बिकॉज अगर मैं यहाँ पर तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर अगर एच पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करूंगा तो नेगेटिव चार्ज है, इट इज इन इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इट इज स्टेबलाइज बाय दिस कार्बोनिल ग्रुप जो कि इसके एडजेसेंट लगा हुआ है, तो दिस इज एसिडिक, राइट. तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आया जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एंड नाउ अब ये क्या हो गया हमारे पास, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट. तो इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, स्टेबलाइज है, इट हैज जनरेटेड अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट कैन बेसिकली एक्सट्रैक्ट दिस ब्रोमीन एज सच. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अल्फा सब्स्टिट्यूशन जो कि हम किया करते थे, जो कि एसिडिक, जैसे हमने कार्बोनिल कंपाउंड में भी ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है. इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ा और स्टेबलाइज रहेगा इन इन दैट सेंस, बिकॉज नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन, तो द फर्स्ट स्टेप अगर हम देख रहे हैं तो बेसिकली एक एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ठीक है, और उसकी जगह ब्रोमीन आ गया. अच्छा, अब जब हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो दिस हाइड्रोजन इस एक और हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है जो कि विच इज स्टिल एसिडिक, राइट. तो इट इज अगेन एसिडिक. तो अगर हम देखेंगे तो OH नेगेटिव तो था ही यहाँ पर, तो OH नेगेटिव ये है, तो ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर से क्या करेगा, फिर से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा. तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग. तो इस तरीके का कुछ बन रहा है. अच्छा, अब यहाँ से समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग टू हैपन, राइट. यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज अगर इस रिएक्शन का अगर हम नाम देखें तो नाम है हॉफमैन रीअरेंजमेंट या हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन. तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट तो होने वाली है, राइट. तो अब हम इसकी रीअरेंजमेंट देखेंगे कैसे होती है. अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पॉसिबल, बिकॉज जब हम एक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली प्रिडिक्टिंग द पॉसिबल पाथ. तो पॉसिबल पाथ क्या होगा वो देख रहे हैं कि एक एक तरीका तो ये था जो रीअरेंजमेंट हुई वो कैसे हुई, कि दिस लोन पेयर गोज ओवर हियर कोर्स एंड ये जो पूरा अल्काइल ग्रुप है दैट हैज बीन शिफ्टेड टू नाइट्रोजन एंड दिस ब्रोमीन गोज ओवर, राइट. सो दिस इज वॉट हैपनिंग. और हम पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट हो रहा है दिस इज अकरिंग इन लाइक दिस इज अकरिंग साइमल्टेनियसली लाइक खुद एक ही स्टेप में हो रहा है, अपने आप हो रहा है कि बीच में इसके बीच में कोई स्टेप नहीं हुआ कि साइमल्टेनियसली सारे स्टेप्स हो रहे हैं, राइट. तो विच बेसिकली रिलीज इज वॉट, ये माइनस बी आर तो हो गया,
तो माई निकल गया और माई पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया एफ, जिसको हम बोल सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली, देखो आर है, आर अब किससे कनेक्ट होगा, एन से कनेक्ट होगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा। तो यही जो चीज़ हमने जो पिछली स्लाइड में देखी थी, पिछले पिछले पेज पे देखी थी, तो दिस इज अल्काइल आइसोसाइनेट। तो पहला तो ये हो गया कि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि अगर जो इंटरमीडिएट स्पीशीज जो रिएक्शन में बन रही हैं वो कौन सी हैं, तो वी कैन से कि इट इज अल्काइल आइसोसाइनेट। तो राइट, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट, अल्काइल आइसोसाइनेट। तो दिस इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट स्पीशीज विच इज फॉर्म। और हम इसको बिकॉज अगेन द मैकेनिज्म है, ठीक है, एक बेसिक जो उसका पाथ है वो प्रिडिक्ट करते हैं। वन मोर पाथ कुड हैव बिन पॉसिबल, एक और पाथ पॉसिबल था इसका, तो वो क्या हो सकता था? मतलब राधर देन हम ये बोलें कि अच्छा ये स्टेप एक एक बार में हुआ, इसमें क्या हुआ कि अच्छा ब्रोमीन लीव कर रहा है और फिर रीअरेंजमेंट हो रहा है, साथ में रीअरेंजमेंट प्लस लीविंग ऑफ ब्रोमीन इज अकरिंग। दूसरा हमने क्या कर लिया, दूसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट्स से मैं यहां पर इसको शो कर रहा हूं और ऐसा हो सकता था कि ब्रोमीन पहले लीव कर गया, राइट। तो लेट्स से ब्रोमीन मतलब उस रीअरेंजमेंट के पहले लीव कर गया, तो अगेन अ पॉसिबिलिटी, राइट, बिकॉज ब्रोमीन इज अ गुड लीविंग ग्रुप इन दैट सेंस, राइट। तो हमारे पास क्या बना, एंड नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट, राइट। तो ये लीव कर गया और हमारे पास इससे क्या बना, एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रीन, राइट। तो जैसे कार्बिन्स होती हैं, ठीक है, हमें पता है कि कार्बिन्स किस रिएक्शन में बनती हैं, वैसे ही हमें याद रखना है कि अच्छा नाइट्रीन भी हमने पढ़ा है और नाइट्रीन इज इन रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है, और हमें वो भी पता होना चाहिए। जेई के सिलेबस में एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें नाइट्रीन बनती है, एंड दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, राइट। तो टू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट कि जो कि स्पीशीज, इसमें हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं, इंटरमीडिएट स्पीशीज, तो वन इज नाइट्रीन अगेन एंड द अदर इज, अच्छा उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा उसके बाद रीअरेंजमेंट होगी, राइट। लेट्स से इट गोज ओवर हियर, इट कम्स ओवर हियर एंड इवेंचुअली इट बेसिकली फॉर्म द सेम कंपाउंड। तो अल्काइल आइसोसाइनेट, तो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन टू पर्टिकुलर इंटरमीडिएट स्पीशीज, वन इज नाइट्रीन एंड अदर इज अल्काइल आइसोसाइनेट। अच्छा अभी हमारा ये फाइनल रिएक्शन नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज हमारे पास बेसिक मीडियम है। तो बेसिक हाई, जैसे हमने पहले ये करा है कि हाइड्रोलिसिस हमने करी थी एसिडिक मीडियम में अल्काइल आइसोसाइनेट की, हमें पता था कि 1 डिग्री अमाइन है, तो मैंने बोला था कि बेसिक मीडियम में भी एक ही बात होती है। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि आगे वो प्रोसीड कैसे हुआ। तो इसमें अगर OH नेगेटिव का अटैक, राइट, OH नेगेटिव, ऑफ कोर्स OH नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, मतलब हमें पता, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, राइट। तो कुछ इस तरीके का बना। तो जब भी हम देखो मैकेनिज्म लिखते हैं ना, तो मैकेनिज्म बेसिकली प्रिडिक्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज ही प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म, और उसमें फाइनल प्रोडक्ट हमें पता होता है, एंड देन वी आर प्रपोजिंग अ पाथ, राइट, बिकॉज हम वो पाथ को प्रपोज कर रहे हैं, राइट, ओके। अच्छा तो अभी देखो जब ये स्पीशीज बनी, ठीक है, तो हमें पता है कि दिस स्पीशीज ये नेगेटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन विद अ डबल बॉन्ड, राइट। तो कंजुगेशन विद अ डबल बॉन्ड इन द सेंस कि ये इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। तो दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके बाद बिकॉज दे हैव टू रीच टू द फाइनल प्रोडक्ट, हमें फाइनल प्रोडक्ट पर पहुंचना है, तो उसमें क्या होगा, हमें देख बेसिकली क्या चाहिए, हमें RNH2 चाहिए, हमें अमाइन चाहिए, तो हमें ये वाला पार्ट अलग करना है, हमें पता है, राइट, एक कार्बन भी कम करना है उसमें से, तो वी विल बी डीलिंग विद दैट इन दैट पर्टिकुलर सेंस, राइट। तो इसमें क्या होगा, प्रोटोन एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा बिकॉज देखो अब नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो कैन वी से कि यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर
प्रोटॉन ट्रांसफर IMPT, एक एसिड बेस रिएक्शन जो कि विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, तो बिकॉज नेगेटिव जो हाइड्रोजन है यहाँ से ट्रांसफर होकर नाइट्रोजन पर चला जाएगा, बिकॉज दिस पार्ट इज बेसिक, दिस नाइट्रोजन इज बेसिक एंड दिस इज बेसिकली एसिडिक, राइट, बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबलाइज एज कम्पेयर टू दिस नाइट्रोजन. तो वट एवर द स्पीशीज, इसको पता है कि तीन स्पीशीज हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है तो तीन एटम्स हैं, तो नेगेटिव चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबलाइज, राइट. तो वी मेक समथिंग लाइक दिस, तो दिस इज NH डबल बॉन्ड. अच्छा, अब हमें पता है कि अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, व्हाट हैपन्स, CO2 विल बी रिलीज, हमारे हमने वाटर डाला था तो राइट, तो दिस कम्स ओवर हियर, तो दिस अ वेरी गुड टेंडेंसी, अगर थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर रहेगा तो ठीक है, तो दिस CO2 विल रिलीज एज सच, तो ये CO2 चला जाएगा, ठीक है, एज सच, तो माइनस CO2 तो हो ही रहा है, और ये RNH negative, it will take up hydrogen from the solvent, H positive from the solvent, and we'll have basically, ठीक है, H positive from solvent, ठीक है, CO2 निकला है, और H positive from the solvent, तो हमारे पास क्या बना, RNH2 plus CO2 as such. और since basic medium है, तो basic medium में जो CO2 है, तो CO2 of course OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, ये कार्बोनेटाइन बन जाएगा, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब हमने देखा होगा कि CO2 प्लस NaOH या KOH अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो बेसिकली Na2CO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस, ठीक है ना, एक तो CO2 रिलीज हुआ, तो मतलब वन कार्बन लेस हो गया, ठीक है, तो ये हमें मैकेनिज्म को इस तरीके से करना है. तो फर्स्ट पार्ट वी डेल्ट विद हाउ द इंटरमीडिएट स्पीशीज आर बीइंग जनरेटेड. तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें से जो क्वेश्चन है, एक तो ये रिएक्शन को देख के, इस रीजेंट को देख के आइडेंटिफाई कराना चाहिए कि अच्छा R2NH2 है तो उसमें RNH2 बनता है, ठीक है, इट जस्ट बी वेरी वेरी कॉन्शियस, वेरी यू नो, वेरी केयरफुल विद दिस पर्टिकुलर रीजेंट, ठीक है, RNH2. और इसमें अगर हम देखें कि इंटरमीडिएट स्पीशीज क्या है, इंटरमीडिएट स्पीशीज में आपको एक तो नाइट्रीन ध्यान रखना है, नाइट्रीन बनता है, ठीक है, दैट ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स अल्काइल आइसोसाइनेट की एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो वी गेट RNH2, एंड ऑफ कोर्स एक कार्बन उसमें से कम हो जाएगा, वन कार्बन विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ CO2, राइट, सो दैट इज गोइंग टू हैपन. So I hope this Hoffman bromide reaction is clear to us, because अच्छा इसको हम क्वेश्चन जब लेंगे तो obviously it is going to be used over there, so we will come back to it again. So another important reaction, एक reaction हमने Hoffman bromide reaction कर लिया, ठीक है, similarly equally important is Gabriel thalamide reaction, again very important reaction, इसका जो starting reagent है, ठीक है, तो मैं ऐसा हो सकता है कि ये आपको रिएक्शन की ही फॉर्म में आ जाए, कि आपको गिबन हो गया, आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, तो दिस इज योर फैलिक एसिड, राइट, तो फैलिक एसिड इज द स्टार्टिंग रिएजेंट, और हम इसमें हम क्या डाल रहे हैं, हम अमोनिया डाल रहे हैं और हम इसको थोड़ा सा हीट करें, तो स्टार्टिंग रिएजेंट इज फैलिक एसिड. अच्छा, जब हमारे पास दिस इज अ डायकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, तो डायकार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, तो एक हमने प्रॉपर्टी करी थी जो कि मैं एक बार जस्ट रिविजिट कर रहा हूँ यहाँ पर, कि लेट से हम कार्बोक्सिलिक, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, अगर हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो उसमें से लेट से अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन करवाएं, डिहाइड्रेशन द सेंस कि हमें ये वाटर रिमूव करना है, राइट, माइनस वाटर, तो हमारे पास क्या बनता है, ऐसा कुछ बनता है, एनहाइड्राइड. ऑफ कोर्स डिहाइड्रेशन, तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, ये होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो जनरली इस रिएक्शन को करने के लिए हम P2O5 यूज करते हैं, विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स,
कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स, जैसे कि ये हो गया। इसमें भी हम वाटर निकाल सकते हैं हीट करके, इसमें भी हम P2O5 यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कंपाउंड में आप देखोगे कि जब ये वाटर लीव करेगा इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी लीव करने की, बिकॉज इट इज बेसिकली फॉर्मिंग अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो मतलब अगेन इट इज तो दिस इज स्टेबल, तो इसमें हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ 5 मेंबर रिंग, एंड हमें पता है कि 5 और 6 मेंबर रिंग्स आर वेरी स्टेबल थर्मोडायनेमिकली, इट दे आर वेरी स्टेबल राइट। सो तो दिस इज फैलिक एनहाइड्राइड एक्चुअली। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना था, तो ये हम लेट अस फोकस विद दिस पर्टिकुलर रिएक्शन नाउ, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो द स्टार्टिंग रिएजेंट इज द स्टार्टिंग कंपाउंड इज योर फैलिक एसिड जो हम लेते हैं, और उसमें हमने अमोनिया डाल दिया, ठीक है। तो अमोनिया के साथ पहले तो अमोनियम कंपाउंड बनेगा, फिर हमने अगर उसको हीट कर दिया तो हमें पता है कि अमाइड बन जाता है, RCOH plus NH3 बेसिकली अमाइड है ना। So this is going to be formed, right? So this is phthalic acid, this is thalamide. Thalamide. अच्छा अगेन हमारे पास जैसे phthalic this is phthalic acid में अगर इसको हीट करते हैं तो वाटर निकल जाएगा, और आसानी से निकल जाएगा बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ 5 मेंबर रिंग। तो ऐसे ही कुछ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी हो सकता है। अगर मैं इसको स्ट्रांग हीटिंग करूं, स्ट्रांग हीटिंग, तो ऐसा हो सकता है कि यहां से अमोनिया निकल जाए, वो होता भी है। तो अमोनिया विल बी लिबरेटेड, तो विल हीट इट स्ट्रांगली, और बेसिकली स्ट्रांग अगर हीटिंग करेंगे तो एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन होता है हमें पता है, तो विद द एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, तो अमोनिया विल बी लिबरेटेड एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा यहां से ओके, आई जस्ट राइट इट थोड़ा सा इधर, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को स्पेस हो, आई राइट इट ओवर यू। सो दिस इज वॉट इज फॉर्म एंड दिस इज योर थैलेमाइड। एज यू कैन सी के जो रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, तो दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट वी आर यूजिंग, व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग, व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज सच राइट। तो थैलेमाइड बन गया, उसके बाद हम क्या करते हैं राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन इज बिकम एसिडिक नाउ दिस। अब हमें पता है कि जो हमने लास्ट इस कॉन्सेप्ट को हमने हमने ब्रोमाइड रिएक्शन में भी किया था, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड में भी किया था, बिकॉज हाइड्रोजन इज द नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबलाइज बाय द कार्बन ग्रुप। अब यहाँ देखो यहाँ पर तो दो दो कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दिस विल बी हाईली स्टेबलाइज एसिड, दिस बिकम्स एसिडिक अगैन। वट वी डू इज टेक अ बेस राइट, एंड वाई वी डू दैट, जस्ट टू यू नो एक्सट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एच पॉजिटिव एंड टू कन्वर्ट इट इंटू अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ इट वी नाउ वी कन्वर्ट इट इंटू अ न्यूक्लियोफाइल। तो आइडियाज क्लियर होने चाहिए कि वाई वी आर डूइंग दिस, लाइक इज नेगेटिव चार्ज, तो दिस इज बेसिकली अ न्यूक्लियोफाइल, एंड देन यू हैव सिंपली देखो इसका रिएक्शन हो जाता है न्यूक्लियोफाइल, एंड अब इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं कोई भी आर एक्स के साथ। आर बी आर ले लिया था, फर्क नहीं पड़ता, आर एक्स ले लिया, कोई भी आर एक्स। तो दिस इज द अल्काइल हैलाइड, और हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड के जो जनरल रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज आर एक्स, तो बेसिकली
This is what has happened. यहाँ पर आ रहा है। तो दिस इज अ टिपिकल SN2 रिएक्शन। ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है इट इज टिपिकल SN2। ठीक है, SN2 इन द सेंस, जब हम SN2 की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम R क्या क्या नहीं ले सकते। तो SN2 है तो इस पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा। ठीक है, 1 डिग्री है तो ऑफकोर्स SN2 बेस्ट रहेगा। ठीक है, R कैन नॉट बी 3 डिग्री। 3 डिग्री होगा तो फिर हमें पता है कि अगर हमारे पास 3 डिग्री डू नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन, दे विल इवेंचुअली गो फॉर एलिमिनेशन। राइट, दे विल इवेंचुअली गो फॉर एलिमिनेशन। तो R, और हमारे पास R कैन, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू अराइल ऑल्सो, ए आर ऑल्सो, यहाँ पर बिकॉज हमारे पास जो अराइल हैलाइड्स होते हैं दे ऑल्सो अंडरगो, दे डू नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो दिस इज, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है कि कौन कौन, तो R क्या क्या हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी 3 डिग्री, कैन नॉट बी एन अराइल ग्रुप। अच्छा, और अगर अब यहाँ पर इस ये वाला प्रोडक्ट हमें पता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली ओके ओके। तो अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो वी कैन बेसिकली कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस एज सच। राइट, तो हाइड्रोलिसिस करवा दी एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो हमें इसके हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स लिखने आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इट कुड बी कैरी आउट इन स्टेप्स, ऑफ कोर्स बिकॉज एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर COH, दिस इज ऑल्सो COH। तो ये तो एक हमारा जो रेजेंट है वो हमें रिकवर हो गया। तो ठीक है, ये जो हमने स्टार्टिंग में फैलिक एसिड लिया था प्लस, देखो यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया, तो हमारे पास RNH2। तो ऑफ कोर्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ या इस चीज़ को, इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ बिकॉज एसिडिक मीडियम है। तो पहले यहाँ पर अमोनियम आयन टाइप बना होगा, ठीक है ना, NH3 पॉजिटिव बना होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है H उसके उस बेस में डाल के ये जनरेट किया होगा। बट ठीक है, बट हमें एग्जाम में डायरेक्टली लिखना होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड। तो इसका डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हमें लिखना आता है। ठीक है, जो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज फैलिक एसिड प्लस वी गेट 1 डिग्री माइनस। राइट, तो अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में से एक था गैब्रियल फैलेमाइड। तो हमने बेसिकली दो रिएक्शन ऐसे कर लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, सो वन इज जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड द अदर वन इज गैब्रियल फैलेमाइड रिएक्शन। नाउ लेट्स कम टू बेसिटी। तो दिस आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इनिशियली ऑल्सो। तो बेसिटी ऑफ द मीन्स इज समथिंग विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इसमें से जनरल क्वेश्चन पूछा ही जाता है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा फंडामेंटल है। तो लेट एक बार इसको थोड़ा रिविजिट कर लेते हैं। तो जब भी हम बेसिसिटी की बात करते हैं, राइट, तो बेसिसिटी इज, राइट, तो बेसिकली की बात करते हैं तो उसका स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, दैट दैट इज वन अप्रोच। तो व्हाट टाइप ऑफ बेसिस दे आर, ऑफ कोर्स हम इसको लुइस बेसिक सेंस से भी कर सकते हैं, हम उसको ब्रॉन्स्टेड बेसिक सेंस से भी कर सकते हैं। तो वी कैन, तो जिसमें भी कन्वीनियंट है उसमें उससे करते हैं। तो फर्स्ट इज लाइक दे आर बेसिस, तो उसको एज अ बेस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से आई हैव RNH2, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो इफ देयर आर बेस देयर विल बी देयर वीक बेसिस, तो देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू डिफाइन देयर बेसिक स्ट्रेंथ, दैट इज के बी। के बी इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, में आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ा है। और अगर हम के बी को रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है ना, RNH2। तो आइडिया ये है कि अच्छा, जितनी आर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा उतना ही ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। एंड दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो कॉन्सेप्ट इज दिस, कॉन्सेप्ट इज अभी ये 1 डिग्री के लिए किया। सिमिलरली इट कुड हैपन फॉर 2 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया ऑल्सो। राइट, राइट, अच्छा, अगर ये गैस फेज में होता, ठीक
ठीक है, तो हमें हम देखते हैं कि इसको इसको स्टेबलाइजेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इसको स्टेबलाइज करनी है। एक तो है आई इफेक्ट, आर का प्लस आई इफेक्ट। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ऑफ कोर्स जितना इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ है जिसका प्लस आई, तो ये मोर स्टेबल हो गया, है ना, मोर स्टेबल। तो जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल, मतलब ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली गैस फेज में करते हैं, ठीक है, इन गैस फेज हमारे पास सिर्फ इंडक्टिव से आंसर आता है, तो हमारा जो ऑर्डर आता है वो कुछ ऐसे आता, बिकॉज ओनली इंडक्टिव इज एप्लीकेबल, ओनली इंडक्टिव इज एप्लीकेबल। बट अगर हम यहाँ पे अगर कुछ मेंशन नहीं होता, तो वी आर डेफिनेटली अज्यूमिंग इन द एक्वस मीडियम, और हमें इस चीज से इसको लेके कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, राइट कि अगर हम बेसिटी की बात करें, अगर कुछ नहीं मेंशन कि कौन सा मीडियम है, तो अब बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक एक्वस मीडियम। तो अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें, तो एक्वस मीडियम में हमारे पास जैसे ये था, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक तो इंडक्टिव, इंडक्टिव मतलब प्लस आए, और एक और चीज जो मैटर करती है इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए, बिकॉज वाटर है और ये एक कैटाइन है, ठीक है, तो अनदर थिंग विच माइट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द स्टेबलाइजेशन, तो दैट इज हाइड्रेशन। ठीक है, तो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव और हाइड्रेशन बोथ आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज द साइन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब इसमें फर्क क्या आ गया, बिकॉज अगर हम इंडक्टिव की बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, मतलब बेसिकली प्लस आए, इट इज मैक्स फॉर 3 डिग्री, है ना, 3 डिग्री के लिए मैक्सिमम होता है, और मिनिमम फॉर 1 डिग्री, 1 डिग्री के लिए मिनिमम हो गया। और अगर मैं यही हाइड्रेशन की बात करूं, हाइड्रेशन, ठीक है, अब हाइड्रेशन ऐसा है कि जितना आर ज्यादा होगा, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, उसका सरफेस एरिया, ठीक है ना, वो अलाउ नहीं करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन, ठीक है, तो हाइड्रेशन में थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, तो अगर हमारे पास 1 डिग्री है, तो उसकी हाइड्रेशन ज्यादा है, राइट, तो हाइड्रेशन में हमारा जो ऑर्डर है, तो मैक्स फॉर 1 डिग्री एंड मिनिमम फॉर 3 डिग्री, तो 3 डिग्री की हमारे पास हाइड्रेशन जो है वो मिनिमम होती है। ठीक है, अब इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, उसको हमें ध्यान रखना है, तो इट इज हमें, तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, मतलब जब 2 डिग्री में इंडक्टिव भी ठीक ठाक होता है और हाइड्रेशन भी ठीक ठाक होती है, तो इसीलिए तो ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, वो ये आ जाता है ओवरऑल ऑर्डर। तो इट इज ऑलवेज 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मोर, राइट, तो दिस इज वॉट वी नीड टू रिमेंबर। एंड ऑल्सो एक एक्सेप्शन करते हैं, ऑफकोर्स ये जो चीज़ है वो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, मतलब हम के बी की वैल्यू देख रहे हैं, उसके बाद एक डेटा को देख के हमने फिर उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचे, बिकॉज दे आर मोर देन वन रीजन विच कॉन्ट्रीब्यूट। तो एक जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर ऑर्डर विद, ऑफकोर्स ऐसा कुछ इस चीज को हम देख रहे हैं, तो एक्सेप्शन तो डेफिनेटली होंगे, तो एक एक्सेप्शन, एक ही एक्सेप्शन करनी है, दैट अगर मेरे पास आर है वो मिथाइल है, अगर मिथाइल की बात करें, तो मिथाइल में ऑर्डर थोड़ा, मतलब 3 और 1 का ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है, मतलब अगर हम बात करें तो मिथाइल, इफ आर इज मिथाइल, ठीक है, तो ये इसका अब 1 डिग्री हो गया, 3 डिग्री का कम होगा, एंड ऑफकोर्स ये, ठीक है, तो ये याद रखना। तो दिस इज द ऑर्डर, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस चीज का बेसिटी को लेके, एंड ऑफ कोर्स तो ये हम अमाइंस में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, यहाँ पर लोन पेयर फ्री होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम एनिलिन की बात करें, तो एनिलिन जो, मतलब कोई भी हमारे पास एरोमेटिक, राइट, तो इसकी बात करते हैं,
तो लेट्स से यहाँ पर अगर हम एनिलिन है तो इसका जो लोन पेयर है दैट इज इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी लेस बेसिक एज सच, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सर्टन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जिसमें बेसिटी इज क्वाइट हाई, अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट, राइट, अप्रोच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। मतलब हमारे पास जैसे एक मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल लूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ गॉनिडीन, ठीक है ना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेसिस, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेसिस। और गॉनिडीन होती क्या है, देखो आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है ना, ये इसमें हम एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारे पास ना लोन पेयर्स हैं, ये नाइट्रोजन हो सकता है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि अच्छा विच ऑफ द नाइट्रोजन इज द मोस्ट बेसिक या विच इज द लेस लेस बेसिक एज सच, है ना, कि कौन सा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको किस में थोड़ा सा ऐसे एच पॉजिटिव डाल दूँ तो प्रोटोनेशन किस नाइट्रोजन की होगी। इफ आई जस्ट लेबल इट डाउन ए बी सी, है ना, तो अगर मैं लेबल कर लूंगा तो कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है, तो दैट इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड ऑफ कोर्स देन उसके बाद हम जस्टिफाई करेंगे कि व्हाई इट इज सो स्ट्रॉन्ग, राइट। तो पहली बात तो ये है कि बी और सी आर नॉट बेसिक, है ना, ये और ये जो सी हैं तो ये दीज आर नॉट बेसिक, व्हाई, बिकॉज इसके जो लोन पेयर्स हैं वो कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, ठीक है ना, जबकि नाइट्रो इसको जब ये कॉन्जुगेशन में आए तो ये जो लोन ये जो नाइट्रोजन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज आया, तो दैट दैट इज वन ऑफ द थिंग्स टू जस्ट टेल, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। तो फर्स्ट ओवरऑल इन हाइंडसाइट वी कैन से कि अच्छा ये जो ए है जिसके हमने ए मार्क करा है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन ओवर स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक सेंटर, ठीक है, एज सच। बट इसको हम एक्सप्लेन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, तो व्हाई दिस इज व्हाई आई एम सेइंग इज ऑन अ स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेसिस। तो इसका तरीका भी बिल्कुल वही है कि अगर मैंने इसको प्रोटोनेट किया तो प्रोटोनेट वंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि अच्छा ये जो नाइट्रोजन है ये सबसे ज्यादा बेसिक है, तो जब एच पॉजिटिव डाला तो ये बना। एंड जब ये मैं बोल रहा हूँ कि बिकॉज नाउ दिस इज अ कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज हाईली स्टेबलाइज, हाईली स्टेबलाइज कैसे, बाय रेजोनेंस, राइट। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है ही, बट व्हाई इज व्हाई सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं वो इक्विवेलेंट बन रही हैं, राइट, तो दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि जो तीनों स्ट्रक्चर्स बनी तो बेसिकली बेसिकली इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर होती हैं तो चार्ज विल बी इक्वली डिस्पर्स। ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा पहले वन यूनिट चार्ज था, अब ये 33 33 33 हो गया, वन थर्ड चार्ज रह गया, एंड इट हैज लाइक टू थर्ड चार्ज हैज बीन डिस्पर्स, वाई, बिकॉज दे आर ऑल इक्विवेलेंट, तो दैट मेक्स इट क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन स्पेसिस, राइट। सो आइडेंटिफाई करने का यही तरीका था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला नाइट्रोजन है इट इज नॉट बेसिक एट ऑल, दिस नाइट्रोजन इज नॉट बेसिक, बट जब ऐसा होता है ना कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए और उसके साथ में लेट्स से कहीं किसी एटम एडजेसेंट एटम के पास लोन पर आ जाए तो इट इज बेसिकली गोइंग टू पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स दैट नाइट्रोजन, राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो इसको थोड़ा सा आगे ध्यान रखना है। ओके,
लेट मी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स जो आई हैं जेई मेंस में. तो दीज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस इट हैव बीन आस्क्ड ऑलरेडी. सो 2019 में जैसे ये प्रॉब्लम आई, ऑर्डर ऑबेसिटी, अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, राइट. जैसे ये हमारे पास आ गया, दिस इज योर पिरिडिन एंड दिस इज योर अगेन पायरोल एंड दिस इज योर 2-डिग्री अमाइन. तो पहली बात तो ये है कि पायरोल जो है वो तो बिल्कुल भी बेसिक नहीं होगा. मतलब वाई? बिकॉज ये हो गया है ना, और इसके साथ कंजुगेशन में आ गया. सो दिस इज नॉट बेसिक. तो टू जो है तो जो तो बिल्कुल भी बेसिक नहीं होगा, ठीक है. ओके, सो उसके बाद हम लाइक वन और टू की बात करते हैं, है ना. वन और टू, तो फर्क देखो, जैसे टू डिग्री इज ऑलवेज मोर बेसिक. क्यों? बिकॉज देखो, इसका प्लस आई इफेक्ट तो है ही है यहाँ पर, ठीक है. बट अगर मैं प्रिडिन की बात करूं, ठीक है. अच्छा, दिस पहले ध्यान रखना है कि ये मैं इसको प्रिडिन इज बेसिक इन नेचर. क्यों? बिकॉज दीज लोन पेयर आर नॉट इन कंजुगेशन. बिकॉज ये बहुत बार क्वेश्चन, बहुत बार हम क्लास में करते हैं, ठीक है. बहुत बार बताया भी जाता है कि प्रिडिन और पैरल दोनों ही बेसिक, बोथ आर बेस, सॉरी, प्रिडिन पायरोल बोथ आर एरोमेटिक इन नेचर, बट पायरोल इज नॉट बेसिक एट ऑल बिकॉज उसके लोन पे कंजुगेशन में आ गए. बट हमारे पास जो प्रिडिन है, प्रिडिन में ये जो लोन पेयर है ये sp2 में लाए करते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दे आर फ्री. तो बेसिकली दे आर फ्री फॉर डोनेशन. बट तो मतलब ये है कि ये सबसे लीस्ट हो गया. अब हमारे पास कंपैरिजन आ गया 2 डिग्री वर्सेस प्रिडिन. अच्छा, ऑफकोर्स जो लोन पेयर है वो sp2 में लाए करते हैं, तो ऑफकोर्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया नाइट्रोजन. तो इट इज़ बेसिकली ये अपने आप अपने पास थोड़ा सा रिलेटिवली अगर देखा जाए तो इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट sp2 एंड यहाँ पर sp3 में लाए करते हैं, राइट. तो मोर परसेंटेज एज करेक्टर. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके, मतलब किस स्पीशीज को कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. इन दोनों के बीच में कंपैरिजन काफ़ी सिमिलर था, फ्री है, इन दोनों में फ्री है, लाइक पिरिडिन और लाइक 2-डिग्री अमाइन में दोनों में अमाइन लोन पर फ्री है. बट अगर हम प्रिडिन की बात करें तो लोन पर इज बेसिकली लाइज इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो उसमें इट इज़ लेस, स्लाइटली डिफिकल्ट टू डोनेट एज सच. अच्छा, इसमें बेसिकली वी कुड हैव ऐड वन मोर इन टू दिस, वी कुड हैव ऐड एनिलिन ऑल्सो. तो आइडिया ये था कि अगर मैं एनिलिन और पायरोल को देखूं, ठीक है. तो हम तो देखो, आइडिया तो ये है कि जनरली, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज हम देखेंगे कि अच्छा भाई नाइट्रोजन यहाँ पर भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ गए, यहाँ पर भी आ रहे हैं. पर क्या हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा ये जो लोन पेयर हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड होंगे बिकॉज ये एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है. यहाँ पर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, एरोमेटिसिटी यहाँ पर हो रही है, मतलब बेसिकली बेंजीन रिंग की हो रही है. तो दिस इज नॉट, ये जो चीज़ है दिस इज रिलेटिवली, तो दिस आर नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी एज सच, ठीक है. बट दीज आर हाईली कॉन्जुगेशन, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन लाइक एक्सट्रीम टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, राइट. तो इसमें ऑटोमेटिक, तो ये तो इसको डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहेगा किसी भी तरीके से, राइट. तो इसमें अगेन, तो जो बेसिसिटी होगी, ठीक है, के बी की वैल्यू होगी वो इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है. तो अगर हमें फिट करना हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स ये पिरिडिन से कम ही होगा. तो दिस इज हाउ आवर अप्रोच शुड बी जब भी एसिडिटी बेसिडिटी के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है. अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सिमिलर है, इंक्रीज इन द बेसिडिटी ऑर्डर. तो ये हम बेसिकली अब देखो देखे कर सकते हैं. ये फिनाइल रिंग आ गई, तो मतलब ये तो है देखो डी ऑप्शन सबसे सबसे कम बेसिडिटी होगी. तो मतलब पहले ए नहीं हो सकता,
ए ऑप्शन नहीं हो सकती और बी ऑप्शन नहीं हो सकती, बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ सी एंड डी ऑप्शन, ठीक है, तो डी सबसे लेस में। अच्छा, सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, सबसे सबसे ज़्यादा बेसिस, ना दिस इज 2 डिग्री, तो हमने देखा कि 2 डिग्री इज़ द मोस्ट बेसिक, तो हमारे पास ऑप्शन ही आ गया। देखो अब बाकी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद वी आर लेफ्ट विद ए और सी ऑप्शन। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए के ही आ गए, ठीक है, तो 3 डिग्री एंड, तो उसके बाद 3 डिग्री एंड 1 डिग्री, तो जस्ट यूज द जनरल ऑर्डर, है ना, तो बी सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज 2 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ और यहाँ पर मिथाइल है, तो बिकॉज ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो गया, मिथाइल है और इसमें बेसिकली हाइड्रेशन उतनी नहीं होगी, तो इसलिए इसकी थोड़ी इसकी कम होती है, हमने मिथाइल वाला स्पेसिफिक केस किया था, तो दैट हालांकि उससे ज़्यादा हम ऑप्शंस को देख के इसको आंसर कर सकते हैं, तो आप इसका आंसर सी होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज द टेस्ट आफ्टर आफ्टर केयरफुली प्रैक्टिसिंग द एसिडी एंड बेसिडी, नाउ लेट्स कम टू द टेस्ट। कुछ टेस्ट हैं जो इस चैप्टर में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाउंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है कार्बिलामीन टेस्ट, कार्बिलामीन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें हमें क्या क्या करना है, इसके जो रीजेंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, रीजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो है क्या ये कार्बिलामिन टेस्ट, अगेन मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कुड बी डिस्कस्ड, बट ठीक है, इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए या एनिलिन होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास रीजेंट इज क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, तो अगर ये रीजेंट हो रहा है तो हमारे पास अल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है, ठीक है, विच हैज अ पंजेंट स्मेल, तो इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, राइट। तो ये रीजेंट मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बोला, जब मैं CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH ले रहा हूँ विच इज बेसिकली अ बेस, तो व्हाट हैपेंस इज, तो कैन वी से दिस इज द ओनली रिएक्शन, ये जाएगा वेयर अल्फा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, अल्फा एलिमिनेशन मोस्टली हमने देखा है कि अच्छा जितने भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं उसमें बीटा एलिमिनेशन होती है, बट ध्यान रखना है जब ये पर्टिकुलर रिएजेंट आ जाए CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, तो दिस इज द केस वेयर वी हैव अल्फा एलिमिनेशन, और जब अल्फा एलिमिनेशन आएगा तो वी गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज कार्बीन बनेगा, दिस इज स्पेसिफिकली डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, तो कार्बीन बनती है। तो क्वेश्चन सिंपली ये भी पूछा था कि अच्छा इसमें इंटरमीडिएट इसमें अटैकिंग स्पीशीज क्या थी, अटैकिंग स्पीशीज इज योर डाइक्लोरोकार्बीन, राइट, और कार्बीन की हमें प्रॉपर्टी पता है, राइट। अच्छा, नॉर्मल कार्बीन वुड बी दिस, अच्छा दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, ये दिस इज मोर स्टेबल ऑफकोर्स, ठीक है, बिकॉज एक ऑर्बिटल खाली होता है तो बैक बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हम बताते हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग में कर सकते हैं कि कार्बीन में लाइक CCl2 और CH2 में विच इज मोर स्टेबल, तो दिस इज मोर स्टेबल, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि दिस इज द रिएक्शन में अल्फा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, उसके बाद नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन डिस्टिंग्विश रिएक्शन है, देखो प्राइमरी के साथ और सेकेंडरी के साथ इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी वाला तो हमें सिर्फ याद ही रखना है कि अगर 2 डिग्री अमाइन हैं तो दे आर जनरली गोइंग टू गिव नाइट्रोसो कंपाउंड और 3 डिग्री गिव वाटर सोल्वर, तो 3 डिग्री जनरली पूछा नहीं जाता, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए आते हैं। अच्छा, 1 डिग्री इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री वाला ऐसा नहीं है कि वो एज अ टेस्ट पूछा जाए बट एज अ नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा, है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन में हमें पता है कि RnH2 प्लस RnH2 प्लस HONO। अच्छा, ये रिएक्शन हमने एनिलिन के साथ भी किया था, है ना, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनता है N2Cl टाइप,
डायज़ोनियम साइड, हमें पता है कि अच्छा आर पे ये स्टेबल नहीं है तो माइनस एन टू हो जाएगा और आर पॉजिटिव बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। वापस कार्बोकेटाइन बना और उसके बाद ठीक है वाटर की प्रेजेंस में यू गेट आर एच। तो 1 डिग्री में जो अगर डिटेक्शन होता है तो दिस इज द लिबरेशन ऑफ अ गैस, ठीक है, नाइट्रोजन विल बबल बबल आउट, ठीक है, और वापस आर एच बनता है, ठीक है। और यही रिएक्शन हमने करा था कि अगर यही एनिलिन होता तो एनिलिन में बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड, उसी यही एक ऐसा कंपाउंड था जिसमें ये चीज़ स्टेबल होती है। तो दिस इज स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दोनों में सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, बट अगर आर है ठीक है तो ठीक है, तो एन टू तो डेफिनेटली रिलेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो एन टू विल एनीवे रिलीज। बट इसमें क्या होता है, जब एन टू रिलीज करेगा तो वह फिनाइल के ऊपर कार्बोकेटाइन, फिनाइल के ऊपर चार्ज आ जाएगा विच इज़ वाई वेरी अनस्टेबल, तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा विच इज़ वेरी अनस्टेबल। तो दैट्स वाई थोड़ा सा होल्ड कर, मतलब बेसिकली इट इज़ इट कैन बी स्टेबलाइज एट लोअर टेम्परेचर एज सच, राइट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ वाई इसका रिएक्शन, बिकॉज जनरली जेई में काफ़ी मतलब बार बार इस तरीके से मतलब इसी तरीके का रिएक्शन पूछा गया है, तो मैं कैसे इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो वन क्वेश्चन विच इज़ कमिंग इन टू माई माइंड राइट नाउ, हमने एक रिएक्शन किया था पिनेकोल वाला, है ना, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, जो हमारे पास लेट से विसिनल लेट से पिनेकोल्स के साथ जो रिएक्शन होता है एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन, राइट। अब मैं उसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके करता हूँ, लेट से दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, वैसे आई एम ट्राइंग टू फॉर्म अ पिनेकोल, पिनेकोल अगर मैं यहाँ पर ओ एच ओ एच हो जाता तो वो पिनेकोल बन जाता, बट वट आई एम डूइंग इज आई एम डिसाइडिंग इन एन एच टू, ठीक है, दिस इज द कंपाउंड, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एच एन ओ टू डाल दिया, एन एन ओ टू प्लस एच सी एल, एच एन ओ टू डाल दिया, नाइट्रस एसिड डाल दिया, ठीक है। तो वट हैपन्स इज फर्स्ट स्टेप, तो कैन इज अगेन एच एन टू रिएक्ट करेगा 1 डिग्री के माइंड के साथ, तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो कैन यू से इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू दैट ऑफ लाइक पिनेकोल, पिनेकोल रीअरेंजमेंट, तो जहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज बन गया साथ में ओ एच नेगेटिव है, तो अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप इज ऑलवेज लाइक शिफ्ट होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ठीक है माइग्रेशन, तो दैट रिएक्शन ऑल्सो हैव डन, तो एक अल्काइल शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तो आर पॉजिटिव ओ एच राइट, एंड अगले स्टेप में ऑफ कोर्स इट विल फॉर्म द माइनस एच पॉजिटिव, दिस इज द प्रोडक्ट। तो सिमिलर टू दैट ऑफ पिनेकोल पिनेकोलोन टाइप, तो दिस कैन बी पिनेकोल पिनेकोलोन टाइप, मतलब उसमें बस हमने क्या कर दिया, एन एच टू के साथ एच एन टू लगा दिया। तो द लॉजिक शुड बी इम्पॉर्टेंट, मतलब कि हमारे पास जब हम 1 डिग्री अमाइन का नाइट्रस एसिड का रिएक्ट करते हैं तो आपको सिंपली पहले कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है ना, तो उसके बाद विल सी, है ना, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन ऑफ द रीजन, ठीक है, तो ऑलवेज गो बाय बाय ऑलवेज फॉलो द स्टेप्स, राइट। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद दिस वाज इम्पॉर्टेंट, इसको हम थोड़ा सा ठीक है इसको देख लेंगे, ठीक है, तो दिस इज हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, और हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया, सो द सल्फोनाइल बेंजीन सल्फोनाइल इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो दिस इज द रीजन, और 1 डिग्री के साथ ये बेसिकली ठीक है दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, और यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो दैट्स वाई इट इज सॉल्यूबल। जो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी के साथ भी यहाँ पर एच प्रेजेंट है तो इसलिए रिएक्ट तो करेगा, बट दैट इज इनसॉल्यूबल इन अल्कली एंड टर्शियरी डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। तो जस्ट रीड इट एंड फॉलो इट, कि हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करते हैं इस रीजेंट के साथ विच इज सॉल्यूबल इन सॉल्यूबल इन अल्कली, पहले प्रेसिपिटेट बनेगा फिर तो उसके बाद
वो सॉल्युबल हो जाएगा। 2 डिग्री में रिएक्शन हुआ, प्रेसपेट बन गया लेकिन वो सॉल्युबल नहीं हुआ। 3 डिग्री में वो रिएक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, नो प्रेसपेट फॉर्म। सो दिस नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद एनिलीन। तो सो फार लाइक वी हैव डन फ्यू आइडियाज, ये प्रेपरेशन हो गए, रिएक्शंस हो गए, जनरल रिएक्शंस हो गए, तो आइडिया हमें लग गया है नाइट अमाइंस के लिए। नाउ लेट्स कम टू अराइल अमाइंस, और बेसिकली एनिलीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। उसमें भी जो जनरल बेसिक रिएक्शंस है वो तो सिमिलर ही हैं, बिकॉज जो NH2 ग्रुप है वो जनरली उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, बट कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा फॉलो करते हैं, कुछ रिएक्शंस आर पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस डिस्कस दोज रिएक्शंस फर्स्ट, राइट। तो एनिलिन अगेन, इफ आई से कि अगर इफ आई टॉक अबाउट एनिलिन एज सच, तो एनिलिन इज बेसिसिटी ऑफ एनिलिन इज ऑलवेज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पेजेस। So it is less basic than amines. I hope now this is clear to us, right? So it is also going to form the salt, ठीक है, anilinium salt बनाएगा, ठीक है, but ये less basic है, right? Okay. So reactions are similar to that of let's say amines, so वो that can be read on our own, right? और जो NH2 group के साथ reactions हैं वो भी kind of similar ही होते हैं, but जो important थोड़ा सा discuss कर सकते हैं वो that is the reaction on the benzene ring due to the presence of NH2 group, ठीक है? So इसकी reactions electrophilic substitution on aniline. तो जब हम electrophilic substitution on benzene ring पढ़ते हैं due to a group which is present, directive influence की बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिलीन, ठीक है, तो बेंजीन पे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो NH2 ने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। तो जब इसके रिएक्शन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैटेगराइज, तो NH2 का कौन सा इफेक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज प्लस एम, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस एम एंड माइनस साइड, जिसका माइनस साइड बहुत कम होता है, और प्लस एम इज द मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट विच मेक्स इट, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो बेंजीन रिंग को स्ट्रांगली एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, तो स्ट्रांगली एक्टिवेट कर लिया, तो मतलब हमारे पास ऑर्थो पोजिशंस आर हाईली एक्टिवेटेड, तो इसकी टेंडेंसी है कि सिर्फ रिएक्शन एक बार नहीं रुकेगा, वो और बार कंटिन्यू करवा सकता है, तो इट इज अ वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। एंड ऑफकोर्स ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग, तो ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग में लिख रहा हूँ, तो चार्जेस इस जगह पर आएंगे और बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेट कर रहा है। तो मोर ऑफन देन नॉट क्या हो रहा है कि रिएक्शन जब हम करने की कोशिश करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करवाने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक आई एम रिटन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, तो मैंने ब्रोमीन वाटर लिया, ठीक है, लाइक Br पॉजिटिव की प्रेजेंस में था, तो इट बेसिकली फॉर्म बेसिकली सब्स्टिट्यूट एट ऑल द पोजिशन, ठीक है ना। तो ये चीज होती है बिकॉज इट इज अ स्ट्रांगली एक्टिवेटेड, द रिंग इज स्ट्रांगली एक्टिवेटेड। सो कई बार हमें क्या करना होता है, वी हैव टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर थिंग, कंट्रोल करना होता है इस रिएक्शन को, कि हमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट करवानी है। सो दैट इज जनरली हैपन लाइक दिस। तो हमने आइडिया क्या था कि एक सुपर एक्टिवेटेड ग्रुप लगा हुआ है NH2, उसको थोड़ा सा मीडियम एक्टिवेटेड ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो वी रिएक्ट इट विद CH3COCl, ठीक है, एंड ऑफकोर्स SNAC रिएक्शन, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, C डबल बॉन्डो SA10Alite, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली टू कैरी आउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो पैरा डायरेक्शन इन एनिलिन एज सच, तो फर्स्ट व्हाट वी डू, वी रिएक्ट द सेम मॉलिक्यूल विद फर्स्ट CH3COCl, तो जिसके एसिटेनलाइट बना, और इसने क्या कर दिया, अब इसने इसको इस ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, विच अब ये जो लोन पेयर है वो पूरा बेंजीन के साथ कंजुगेशन में नहीं है, वो इसके साथ भी कंजुगेशन में है ना, तो इट इज, ठीक है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, नाउ द रिएक्शन कुड बी प्रोसीडेड फर्दर। अब इसके बाद हम, अगर मुझे इसकी ब्रोमिनेशन करवानी हुई या लेट्स से नाइट्रेशन करवानी हुई, ठीक है, तो आई विल कैरी आउट लाइक दिस,
ठीक है, आई विल से लेट से और सी एच सी सी ओ एच, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो पैरा दोनों बन जाएंगे, वन इज ऑर्थो। ऑफ कोर्स अगर एक प्रोडक्ट एक लिखना हो तो हमेशा गो फॉर पैरा, मोर सिमेट्रिकल, मोर स्टेबल। अब इसके बाद फाइनली आप एसिडिक या बेसिक मीडियम में, ठीक है, उसको हाइड्रोलाइज करवा दो। और हाइड्रोलिसिस हमें पता है कि हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट वही बनेगा, एनिलीन वापस आ गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, सी एस सी सी ओ एच। और सिमिलरली ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनिलिन, कि एनिलिन इज अ वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड ग्रुप। तो उसके रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी ऑलवेज जनरली कैरी आउट, कि अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाने होते हैं तो जनरली वी कैरी आउट लाइक दिस, है ना। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अमोनिया इज अ बेस, राइट। तो जनरली हम यहाँ पर एनिलिन के रिएक्शन में फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन को हम नहीं करवाते हैं, नहीं करवा पाते हैं, बिकॉज एनिलिन इज अ लुईस बेस, ऑल्सो लोन पेयर्स अवेलेबल है। तो AlCl3 के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई भी लुईस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो नो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन फॉर एनिलिन, राइट। राइट, नेक्स्ट इज नाइट्रेशन ऑफ अमाइंस। नाइट्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट कर लिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन, और बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन करवानी है तो रीजेंट हमें मालूम है। तो बट वाई वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर रीजेंट वो पता होना चाहिए, बिकॉज कुछ ना कुछ थोड़ा एक्सेप्शनल हो रहा है, तो वो देखना पड़ेगा, है ना। तो आइडिया ये कि हमने एक्सपेक्ट क्या किया था नाइट्रेशन में, नाइट्रेशन में हमने एक्सपेक्ट किया था कि पैरा और ऑर्थो बने, ऑफकोर्स पैरा मैनेजर बने, है ना, तो वो बनना चाहिए पैरा। बट वी हैव ऑब्जर्व्ड, हमने ऑब्जर्व कर लिया, विच इज काइंड ऑफ एन अनोमली, कि वाई मेटा हाई परसेंटेज ऑफ मेटा प्रोडक्ट, ऐसा कुछ हो गया। तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है, और मतलब ये रिएक्शन, मतलब हमारे पास अभी भी पैरा मेजर है, बट हमारे पास सब्सटैंशियल आप देखो 51%, 47%, तो मेटा इज ऑल्सो इन अ सब्सटैंशियल अमाउंट, तो वी हैव टू एक्सप्लेन इट। तो उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज इट इज अ बेस एंड बिकॉज इट इज एन एसिडिक मीडियम, तो फर्स्ट वॉट विल हैपन कि इसकी इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, है ना, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि एक ऑल्टरनेटिव पाथ में, बिकॉज एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, तो अगर ये है तो ये तो पैरा को कर रहा है जनरेट, ठीक है, लेकिन अगर कुछ परसेंटेज है जिसकी लेट्स से प्रोटोनेशन हो चुकी है, तो वो ये बना एनिलिनियम आयन बनाएगा, और बेसिकली दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। तो द मेटा प्रोडक्ट इज ड्यू टू द प्रोटोनेशन ऑफ एनिलिन, एनिलिन बीइंग अ गुड बेस इन एसिडिक मीडियम इट कैन प्रोटोनेट इजिली, राइट। सो दैट इज द थिंग, और ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से अगर पूछा जाता है तो इसी तरीके से ही पूछा जाता है। बाकी अगर हमें इससे नॉर्मल नाइट्रेशन करवानी होती तो ऑफकोर्स वी शुड नॉट हैव डन दिस, हम अगेन क्या करते हैं इसको लाइक हम एसिटोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, सी एस सी सी वाल के साथ एसिटेनलाइड बना देते हैं, जैसे हमने पीछे एक रिएक्शन में देखा था, उसके बाद नाइट्रेशन करवाते हैं, बिकॉज उसमें उतना जो हाई उसमें बोलो उतना बेसिसिटी उसकी बहुत कम होगी, तो दैट विल नॉट रिएक्ट। तो नाइट्रेशन करवाने के लिए, नॉर्मल नाइट्रेशन करवाने के लिए कन्वर्टेड इंटू एसिटेनलाइड, तो इसको रिएक्ट करवाओ इसके साथ, एंड नाउ कैरी आउट, राइट। अब ऑर्थो पैरा बनेगा, एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, बट इंपॉर्टेंट इज द मैटर, इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगेन
quite important, diazotization reaction. तो एजोटाइजेशन रिएक्शन जैसे हमने ऑलरेडी RnH2 के साथ किया था, तो उसमें नाइट्रोजन रिलीज हो जाती थी, बट दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट रिएक्शन विद HNO2, लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है. एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज दिस रेजेंट ये जो है ये बहुत आसानी से निकल सकता है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा इजिली, मतलब इसको रिप्लेस करना आसान है. एंड यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ द रेजेंट्स यूज, एंड इट इज़ अ वाइडली यूज रेजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, जैसे अराइल हेलाइड्स के लिए, ठीक है ना, ये हमें रिएक्शन पता है, ठीक है. दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज योर सैंडमेयर रिएक्शन, एंड दिस इज योर गैटरमैन. तो ये हमने रिएक्शन अल्काइल हाइड्राइड में करे हैं CuX, और यहाँ पर जो Cu होता है ठीक है, यहाँ पर जो X होता है, सॉरी, तो X इज योर क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड, ये दोनों के लिए पॉसिबल है, राइट, गैटरमैन रिएक्शन. एंड देन यू हैव इसको सिंपली वाटर से वार्म किया तो फिनॉल बन गया, KI से रिएक्ट कर दिया तो आयोडीन लग गया, एंड दिस फ्लोरिनेशन करवानी है तो HBF4 है, एंड दिस इज ऑल्सो नेम्ड रिएक्शन बोल्ट्स स्काईमैन. तो क्लोरीन ब्रोमीन के लिए और फ्लोरीन लगाने के लिए, आयोडीन लगाने के लिए आप सिंपली रिएजेंट्स यूज कर सकते हो. और अगर हमें सिंपली इसको हटाने, इस ग्रुप को रिमूव करना है, सिंपली बेंजीन बनानी है, ठीक है, तो हमारे पास जो रीजेंट्स होते हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड दिस H3PO4 यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली हमारे पास जो एग्जाम में इथेनॉल भी आया हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, और द रिएक्शन इज कॉल्ड डीएमिनेशन रिएक्शन, राइट. तो दीज आर द जनरल रिएक्शन जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं ऑलरेडी, मतलब इन द प्रीवियस चैप्टर्स, बट इम्पॉर्टेंट इज दिस कपलिंग रिएक्शन या एजो डायफॉर्मेशन रिएक्शन. एजो डायफॉर्मेशन, राइट. तो कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो उसमें क्या हो रहा है, तो हमें देखा है कि दिस कुड बी अ इलेक्ट्रोफाइल, तो जनरली एक, तो दिस कैन वर्क एज एन इलेक्ट्रोफाइल एज सच. और हमारे पास जो दूसरा ग्रुप होता है, यहां पर एक ग्रुप प्रेजेंट होना डेफिनेटली हैज टू प्रेजेंट, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर सकते हैं ना, तो लेकिन इट्स अ वीकर इलेक्ट्रोफाइल, तो हमें ये जो रिंग है वो ज्यादा एक्टिवेटेड चाहिए, तो जनरली इट हैज टू हैव अ प्लस M इफेक्ट, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड, जितना एक्टिवेटेड रहेगी उतना ही ये रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है. और अगर इसको थोड़ा बेटर करना है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बनानी है, तो लेट्स से इसको मैं G- हो सकता है, तो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है सच, और यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जनरली यहाँ पर OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लस M इफेक्ट. तो अब क्या करेगा, अब यहाँ प्लस M है तो ऑर्थो पैरा पे एक्टिवेटेड रहेगा, ठीक है, तो इट कैन अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा, और अगर हमें एक बनाना हो तो हम पैरा वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, बट ऑर्थो कैन ऑल्सो बी फॉर्म, बट दैट विल बी माइनर. तो दिस इज डाई, दिस इज कॉल्ड हैज़ो डाई, ठीक है. तो जनरल ये हमारे पास पर्टिकुलर रिएक्शन होता है इसके लिए, राइट. ओके, सो अनदर कुड हैव बीन, इसके ऑर्थो पे भी अटैक हम शो कर सकते हैं, ठीक है. अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, फिनॉल के साथ रिएक्शन में ये ध्यान रखना है, जनरली ऑरेंज डाइज हैं, और हमारे पास अगर NH2 या ठीक है अमाइंस के साथ जो रिएक्शन हो रहे हैं, तो जनरली हमारे पास येलो डाइज होती हैं मोर ऑफ देन नॉट, बट इट जस्ट रीड फ्रॉम NCERT. ओके,
एंड दिस इज द समरी ऑफ वॉट जो एनिले ने आई ट्राई टू पुट इट इन इन वन शीट तो है, तो एक बार जितने भी पुराने रिएक्शन है उसको रिविजिट कर लो, ठीक है। तो ऑफकोर्स यू कैन ऑलवेज मेक अ चार्ट योर सेल्फ लाइक दिस, तो दिस इच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन दिस पर्टिकुलर केस। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, नाउ इज द टाइम कि हम कुछ प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करें। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं 2000 जो अभी मेरे रिसेंट पेपर हुए हैं, तो उसको उसमें से जो क्वेश्चन हैं उसका अप्रोच क्या है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो लेट अस गो अबाउट इट, राइट। तो द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन 2019 में पूछा गया, और अगेन अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली बोनस हुआ था, ठीक है, बट वी हैव रेड बिकॉज उसमें जो ऑप्शन थी वो गलत थी, तो हमने उस ऑप्शन को ठीक कर दिया है, तो ठीक है, तो वो आंसर क्या होना चाहिए, तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दैट, व्हाट दैट इज, ठीक है। अगेन ये मैंने बोला था कि ये रीजन वाला पूछा जाता है HNO2 के साथ, और HNO2 में हमें फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या कर देना है, ये जो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ ये हट जाएगा, यहाँ पर N2Cl बना होगा और फिर नाइट्रोजन वुड हैव एस्केप्ड, तो यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन बना होगा। तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज ये करना है कि HNO2 के साथ रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन है, ये दिस इज 1 डिग्री अमाइन, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास 5 मेंबर रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे एक कार्बोकेटाइन आ गया, तो विच अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इट डेफिनेटली विल गो फॉर रिंग एक्सटेंशन, रिंग एक्सपेंशन। आई होप एवरीबडी शुड बी नाउ वेरी क्लियर, और जैसा कि हो रहा है 5 to 6 मेंबर रिंग, अगर मैं देखूँ तो चार्ज कहाँ पर आ रहा है, जस्ट पुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 और 4 के बीच में बॉन्ड बन गया और ये एक 6 मेंबर रिंग बन गई, तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले अब ऐसा था कि ये बॉन्ड इधर हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में ज्वाइन कर दो यहाँ पर, तुम्हारे पास जो चार्ज आएगा वो 3 पे आएगा, एंड नाउ अगेन हमारे पास वाटर कुड बी एडेड माइनस एच, तो द प्रोडक्ट विल बी दिस। राइट, तो बी इज ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप ये पर्टिकुलर एजेंट हमें क्लियर है। ओके, सो द कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन एंड NaOH प्रोवाइडेड C3H6N विच गिव्स द पॉजिटिव कार्बिलामीन टेस्ट। तो कार्बिलामीन टेस्ट पे देखो क्वेश्चन आया हुआ, आई थिंक ओके, तो कार्बिलामीन टेस्ट, अच्छा, तो इसमें तो आई थिंक कार्बिलामीन टेस्ट का हमें रीजेंट पता है किसके साथ यूज होता है, और हमारे पास यहाँ पर Br2 है, दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो हमें पता है कि ये 1 डिग्री अमाइड के लिए होता है, तो आई थिंक ये पहला ऑप्शन से ही आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा, दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन टू चेक। तो अगर CONH2 होगा, तो अगर मैं इसको ब्रोमीन और OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करूं, तो आई विल गेट दिस कंपाउंड CH3CH2CH2NH2, तो 1 डिग्री अमाइन, और हमें पता है कि 1 डिग्री अमाइन विल गिव अ पॉजिटिव कार्बिलामीन टेस्ट। आई थिंक दिस क्वेश्चन वन एन इजी वन टू हैंडल, Just make sure you have revised all the questions. Okay. So again, one of the questions from the previous year. Iska reaction hai ethyl formate ke saath. So what is ethyl formate? अच्छा, नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल और इथाइल फॉर्मेट इज दिस,
ethyl format. तो दिस इज एन एस्टर और एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव विद द न्यूक्लियोफाइल. तो आपके पास एक टिपिकल एस्टेन एसी रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन. मतलब हमें पता है कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना है, इसका प्रोडक्ट भी बना सकते हैं. बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना है, मतलब यहाँ पे अटैक होना है. अगर हम मैकेनिज्म से देखेंगे तो मैकेनिज्म में ये जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर. तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमारे पास CH2 NH2 पॉजिटिव, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स एलिमिनेशन. तो दिस इज एन एसिनेसी, टू स्टेप, पहले में एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हो गया, राइट. ये बन गया. अच्छा, अब ऐसे, अब नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए हमने, हमारे पास एक बेस भी दिया होगा. बेस हमें गिवन है, बेस इज ऑलरेडी गिवन, बेसिक मीडियम में दिया होगा. हाँ, तो ट्राई इथाइल अमाइन गिवन है, तो विच बेसिकली एक्सट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, है ना. तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ये आ जाएगा, CH2CH NH CH. तो आई थिंक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन विच इज एन SNAC मैकेनिज्म, दैट शुड गिव द आंसर. हमारा आंसर है ये. ओके, अगेन रीजेंट बेस्ड क्वेश्चन. एक मैकेनिज्म बेस्ड भी है अब पहले, लेकिन रीजेंट पता होने चाहिए. दो रीजेंट्स हैं हमारे पास. एक पहले मैं एक कंपाउंड लिख लेता हूँ, यहीं पर लिख लेता हूँ. बेंजीन के साथ साइनाइड ग्रुप देखो ये लगा हुआ है और NH2 है एंड दिस इज डबल बॉन्ड, राइट. तो अभी हमारे पास ये रीजेंट, अगेन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ये आ जाए सीएसके, तो कैन वी से ये हमारे पास जो रीजेंट है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये कार्बिलमिन टेस्ट में यूज होता है, 1 डिग्री अमाइन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइल्स में, आइसोनाइट्राइल्स में, राइट. तो इट इज लाइक दिस. ये चीज, एंड उसके बाद दूसरा रेजेंट है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. और रिड्यूसिंग एजेंट में ये ज्यादा प्रेफर्ड है बिकॉज ये हमारे पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स के लिए होता है, ठीक है. तो हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज किस में रिड्यूस होती है. So this is your NHCH3 or this is your CH2NH2 or this 2 degree this ketone is basically reduced to 2 degree alcohols, right. So हमारा जो option आ रहा है वो देख के वो 4 option आ रहा है, right. So simple reagents, identify the reagents and then proceed with the question. ओके, अगेन, सो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दिस इज अगेन, ये हम ऑलरेडी इसको थोड़ा देख, इसका मैकेनिज्म के साथ भी देख चुके हैं. ये हमने गैब्रियल सेलेमाइड में करा था. एग्जैक्टली ए और बी हमें पता है कि ए और बी क्या होने वाले हैं. तो अमोनिया के साथ जब हम हीट करेंगे तो पहले तो अमाइड बनेगा और उसके बाद, सो दिस इज योर ए एंड व्हाट अबाउट बी. इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया, स्ट्रांगली हीट में हमें पता है कि अमोनिया ये निकल जाता है, थैलीमाइड बनेगा. राइट, सो अब दिस इज थैलीमाइड. अब इसमें हमें रीजेंट देख लिया कि पहला रीजेंट तो है ब्रोमीन OH नेगेटिव,
with slightly heat and then followed by द हाइड्रोलिसिस। अब इसमें क्या करना है, अच्छा पहले तो ये रीजेंट हमारे पास अमाइड टाइप है ये, ठीक है, राइट। अब हमें तो पहले इसको इस रीजेंट को देख के याद आना चाहिए अमाइड के साथ। तो पहली बात हमें ये पता है कि हमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होने वाला है, लेकिन वो इस तरीके से फॉर्मेट से काम नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा कि हमने OH नेगेटिव भी है, तो कैन वी थिंक ऑफ फर्स्ट इसकी हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। हम इसकी इसकी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, बिकॉज अगर मैं सिंपली OH नेगेटिव के साथ करा तो ये बनता, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया पहले, है ना, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और यहाँ पर क्या आ गया, OH, OH है तो लेट से O नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर KOH है, तो यहाँ पर अगर KOH है तो यहाँ पर ये आ जाएगा अदरवाइज, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CONH2। तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, हमें पता है कि एक जगह से ब्रेक करना है, यहाँ पर OH, बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर OH लगा देते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं, तो वही किया है हमने, बट बेसिक मीडियम में है तो ये O नेगेटिव के फॉर्म में रखा है। अब हमारे पास ये ग्रुप आ गया, अब यहाँ पर वी कैन अप्लाई हॉफमैन ब्रोमोमाइड, राइट। तो O नेगेटिव एंड देन यू हैव ये वाला NH2, तो दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। एंड अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, तो द फाइनल प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू गेट इज दिस COH एंड NH2, राइट। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर, ए और बी, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ तक तो हमारा पूरा क्लियर था, फेलीमाइड बना, उसके बाद ब्रोमीन इन एक्वस, दिस इज अ टिपिकल हॉफमैन ब्रोमाइड रिएजेंट, बट इसके साथ कैसे यूज़ करते हैं वो हमने देख लिया कि पहले इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी और हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास 1 डिग्री अमाइड बना, विच फर्दर गोज ऑन विद द रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, राइट। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, हियर वी आर गोइंग टू, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं विच वी कैन ट्राई, देयर सिंपल इनफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये दिस इज द इलस्ट्रेशन, मतलब जहाँ पर आप बेसिक जो ये जो रीजेंट्स हैं इनके साथ डील कर सकते हो। तो आई हैव जस्ट एडेड अ सॉल्यूशन आल्सो, ठीक है, तो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, राइट। तो ऑल द रीजेंट्स एज सच, दिस इज फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस, राइट। एंड सोल्यूशन इसके साथ मैंने अटैच कर दिया है, तो यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस ऑल दिस। सो हियर आई एम गोइंग टू वाइंड अप विद द सेशन, आई होप जितना भी हमने करा, ठीक है, दैट इज क्लियर टू अस, ठीक है। तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप फोकस्ड, तो रिवाइज कीजिए जितने भी हमने कॉन्सेप्ट करे हैं, एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज सच। थैंक यू।